There are five things that can rock any theory-based exam. Hello everyone, I am Tushika Rawat and I have made this YouTube channel 4 years back. In these 120 plus days, I have made 70 plus videos, have engaged 1 lakh plus audience on YouTube and simultaneously created an enormous WhatsApp community with 25 different colleges groups and claimed as best YouTube channel for engineering students by the top rankers of different colleges and universities. इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स आकर के अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मस्ट डू टॉपिक्स बुलाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसे हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बुलाते हैं। प्लस में आपको मिल रहे होंगे प्रो लेवल के नोट्स free in the description box and the links of the topic wise videos and previous year midterm exam paper. These are the top 5 things that any student can use to ace the exams. इस वीडियो में आपको सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ाया जा रहा होगा, तो इफ यू आर समवन हु हैज नॉट स्टार्ट स्टडिंग येट, देन टेक इट एज अ सेवियर। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन पर्सपेक्टिव से आए हैं, तो टेक इट एज अ बून एंड जस्ट एस योर एग्जाम्स। द कॉन्टेंट ऑफ द वीडियो इज फाइनलाइज्ड बाई रिव्यूइंग द सिलेबस ऑफ मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, हेंस आई कैन से दैट द वीडियोस कॉन्टेंट विल रिजेंबल योर कॉलेज एग्जाम्स टू। And now I want you to finish the video not like a movie but like a savior. So just go and grab your pens and notebooks back and get started with the video. Till then, enjoy the content. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट वन कवर किया था यूनिट टू का आपका फेज रूल। अब इसमें हम कवर करेंगे पॉलीमर प्लास्टिक वाला पोर्शन, जो कि लास्ट पोर्शन बचा है। आपके मिडसेम में 2 ही यूनिट्स आने वाली हैं। फर्स्ट यूनिट का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। एंड सेकेंड यूनिट का पार्ट वन आ चुका है, दिस इज द लास्ट पार्ट। हम देखो पॉलीमर से शुरू करते हैं, फटाफट से हम इसको कंप्लीट करेंगे। पॉलीमर जो है वो आपकी क्लास है नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंसेस की, जिसमें बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। वो सिंपलर सब्सटेंसेस कहलाते हैं आपके मोनोमर्स। अब पॉलीमर्स के अंदर आपका आता है HDPE, यानी एक टाइप ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इट इज टाइटली पैक्ड टुगेदर। HDPE हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, HDPE और LDPE में डिफरेंस आ सकता है, तो इसको ढंग से प्रिपेयर करके जाना। मेलेबिलिटी और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी की वजह से HDPE को जो है आउटडोर फर्नीचर के लिए और आपके प्लेग्राउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इसके अंदर HDPE का यूज किया जाता है, टॉयज में, कटिंग बोर्ड्स में, बॉटल्स में। क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं HDPE की, इस वजह से इसको स्ट्रेस क्रैकिंग अंडर इंटेंस प्रेशर में यूज नहीं किया जाता। ऑल्सो देयर इज रिस्क ऑफ श्रिंकेज, यानी वो श्रिंक भी कर सकता है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसको बहुत टाइट टॉलरेंस चाहिए होती है, यानी बहुत टाइटली इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक मैसिव बेनिफिट क्या है इसका कि ये रिसाइक्लेबल है और रीयूजेबल है। जो रिसाइकल HDPE है वो बहुत वर्सेटाइल है और वेल्डेबल है, यानी कि वो जो नया टाइप का आया है। और HDPE को जो है आपका एक एक्सीलेंट मटेरियल है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए, यानी इसके काफी सारे HDPE के यूजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका LDPE, जो कि ब्रांच वर्जन है पॉलीथाइलीन का, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लूजली पैक्ड है। एज अ रिजल्ट जो LDPE है वो लेस डेंस है कंपेयर टू HDPE। इसका मतलब ये नहीं कि LDPE स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेंसिटी और स्ट्रॉन्गनेस का कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। LDPE जो है वो आपका ग्रोसरी बैग्स, प्लास्टिक फिल्म रैप, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल सब में यूज होता है। डिजाइन आइटम्स जो है दे शुड जो कि बनाई जाती है LDPE से, क्योंकि LDPE जो है वो स्ट्रेस क्रैकिंग से ज्यादा प्रोन है एज कम्पेयर टू HDPE। हीट रेजिस्टेंट भी कम है एंड जो है बहुत हाईली परमिएबल है गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, हाईली फ्लेमेबल है, जल्दी फायर कैच कर सकता है। वन अपसाइड टू LDPE इज लेसन हीट रेजिस्टेंस इज इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इसकी हीट सीलिंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके विनाइल प्लास्टिक्स। विनाइल प्लास्टिक्स यानी कि जो विनाइल पॉलीमर्स है जिसके अंदर जो डिराइव किए गए आपके सब्सटीट्यूटेड विनाइल से, देयर बैकबोन इज
एक्सटेंडेड एल्केन चेन इन पॉपुलर यूज विनाइल रेफर्स टू पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी. पीवीसी पे क्वेश्चन ज्यादातर देखा जाता है. नेक्स्ट आते हैं आपके नायलॉन. नायलॉन पॉइंट्स यानी टुवर्ड्स अ नायलॉन फैमिली फ्रॉम अ लीनियर पोलामाइड देयर आर टू अप्रोचेस. यानी कि ये नायलॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर को ढंग से प्रिपेयर कर लेना, जिसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिडिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और दूसरी अप्रोच है जो कि अमीनो ग्रुप है, NH2 का ग्रुप है एक तरफ से, और एक आपका COOH का ग्रुप है. जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नायलॉन, जो कि एग्जिस्ट करता है 1:1 के रेशियो में. दूसरी अप्रोच ली जाए तो जो कंपाउंड अमाइन है वो एक एंड पे लगा हुआ है और दूसरी एंड पे आपका COOH लगा हुआ है. अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है नायलॉन की. लस्ट्रस होता है, इलास्टिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, डैमेज रेजिस्टेंट, रेजिलेंट, और वाटर इजिली एब्जॉर्ब नहीं करता और बहुत जल्दी से ड्राई अप हो जाता है. Now uses of nylon. Nylon clothing में use होता है, shirts, lingerie, raincoats, underwear वगैरह बनाने में. Industrial uses में आपके seat belts, parachutes, airbags. And it is also used to make a fish net. It is also used as a plastic in manufacturing machine parts. So, जितने भी मशीन पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें एक प्लास्टिक का काम करता है. नेक्स्ट इज आपका glyptal. Glyptal जो है आपका एक alkaline resin है, जिसके अंदर ये glyptal का आपको स्ट्रक्चर दिया है. glyptal का स्ट्रक्चर ढंग से प्रिपेयर कर लेना. जो glyptal है वो एक alkyd resin है, जो कि एक पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का. Now एक क्वेश्चन आ जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका HDPE या LDPE पे क्वेश्चन आ सकता है. थर्मोप्लास्टिक्स क्या है आपके, वो रीइंफोर्स होते हैं फाइबर्स के साथ. रीइंफोर्मेंस कैसे की जाती है, उनकी हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, जो आपके ग्लास फाइबर जो है दे आर मोस्ट कॉमनली यूज रीइंफोर्सिंग मटेरियल. इसके बाद पॉलीएमाइड पॉलीमर्स जो है वो ग्लास फाइबर्स को बनाने में हेल्प करते हैं. सारा आपको थर्मोप्लास्टिक की थ्योरी गिवन है, जिसको आप ढंग से रीड कर सकते हो. पॉलीमर जो कि चूज किए जाते हैं रिप्लेसमेंट फॉर मेटल, यूजुअली ऐसे पॉलीमर जो कि मेटलिक सेक्शन की जगह प्रॉपरली ले पाए. एक पॉलीमर को यूज करता है एक इंजीनियर टू डिजाइन अट्रैक्टिव शेप्स, जो कि फेवर करती हैं, जिससे कि जो भी मतलब रिक्वायरमेंट नीड्स है. Additional cost saving is realized since the polymer part does not require painting for corrosion protection. और जो specific polymer select किया जाता है and temperature and chemical end use environment. यानी कि जो आपका polymer है, जो भी plastic हम use करते हैं, depends upon the what are the conditions या what are the requirements we have कि किस type का product produce किया जाना है. अब ये must do questions जो है मेरे part 1 में भी समझा दिए थे, यहाँ पे वापस से दिए हुए हैं, आप इनको ढंग से prepare करके जाना. Plastic से portion कम आता है, वैसे thermo plastics को एक तो ढंग से कर लेना, और आपके HDPE LDPE को ढंग से कर लेना. नायलॉन के यूजेस पे भी क्वेश्चन 2 या 2.5 मार्क्स का आ सकता है, तो उसको भी आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना. ये मैंने आपको बता दिया है. तो इसके साथ हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 के दोनों के वन शॉट्स कंप्लीट हो गए हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.